मैंने क्या बोला कि सर इंडिया भारत पे डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग अगर डिबेट करना चाहिए तो सच में शिक्षा पे बात करनी चाहिए और एजुकेशन पे, ठीक है। शिक्षा क्या आउट ऑफ कंट्री में देखेंगे, शिक्षा जहाँ गरीब हो अमीर हो सबको एक ही शिक्षा मिलती है, जबकि इंडिया में क्या है गरीब का बच्चा गरीब मतलब छोटे मोटे स्कूल में पढ़ता है, इंटर के बाद कैसी भी इंटर हाई स्कूल करने के बाद सब्जी बेचता ऑटो चलाता ये कराता है। सुनो तो ये नेता लोग जो है, अरे पूरा मिनट देंगे यार, जनता से ही बात करते हैं हम। ये नेता लोग जो है ना ये कहते हैं कि भारत नहीं होना चाहिए, संविधान कहता है इंडिया भी होना चाहिए भारत भी होना चाहिए। अब जब बड़े बड़े नेता केजरीवाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस के बड़े नेता लालू यादव, आप समझ इनको जानते हो ना, जब ये कहने लगेंगे कि भारत ये देश को डर गए हैं पार्टी, तो इस पर चर्चा करनी पड़ेगी ना। कोई पर, मुझे लगता है मेरे को जनता कोई फायदा नहीं होगा इसमें। अरे देखो जनता यहाँ प्राण दिए दे रही है, जनता कह रही है जो भारत नहीं बोल रहा है वो देशद्रोही है, बताओ ये जनता मेरी आपकी प्रतिक्रिया इसीलिए तो दिखा रहे। मेरी डिमांड है मतलब मेरी, मैं भारत का वासी हूँ, मेरी मांग है ये कि बात डिबेट करनी चाहिए तो शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा बेरोजगारी महंगाई सब नहीं होता सर कहाँ, मतलब हम मेरे को मैं जो चेंज कर, मैं मॉड्यूल बोल रहा हूँ चेंज करने की, तो इसमें ये प्राइवेट वाला जो स्कूल होती है गवर्नमेंट स्कूल ये ना होने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना, सारा सब कुछ गवर्नमेंट का होना। अच्छा ठीक है जनता की बात, हाँ भाई इधर जनता इधर भर, हाँ हाँ ये आ रहा हूँ। जनगण मन गांधी की नायक जया है भारत बाकी भी। अरे यार जब जनगण गाओगे तो सावधान रहना पड़ेगा यार, रुक जाओ अभी, नहीं नहीं जनगण मन जो ये क्या नाम है ये गहलोत साहब की पार्टी से आए हुए हैं, अभी महिला भी ये जो चढ़ रहे थे ये भी गलत है, इन लोग क्या कहते हैं गहलोत साहब की मर्दों का सरकार है, मर्दों का सरकार ये भारत, और जो भारत एक्चुअल है ना भारत ही है, एक्चुअल भारत ही हो गया, बोलिए बाल बनाओ, हाँ नाम एक तो देखिए 30 सेकंड फिर जनता के पास उधर आ रहा हूँ, उधर वाली जनता के पास आ रहा हूँ, आप लोग को भारत में किसको समस्या है इस पर बोलना है, 30 सेकंड जल्दी से यहीं से सबके पास आ रहा हूं। अरे नाम एक है बताइए, संविधान एक ही है ना हमारा, संविधान तीन ही है, तो हमारे भारत का भी नाम अनेक क्यों होना चाहिए, भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे के साथ लगने वाले नेता को आज यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। चलो ठीक है सही है, जब बात एक सेकंड सही ज्ञानेंद भाई, इन दिनों अभी बोल इस देश के संविधान निर्माताओं ने देश को बहुत मजबूती के साथ जोड़ा है और ये उस जोड़ को मिटाने की कोशिश करी जा रही है, इस चीज की आपत्ति है। देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत मुश्किल से इस संविधान को बनाया, एकदम चुप, संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अपनी आत्मा डाल करके अपनी मेहनत से इस संविधान को बनाया, इस भारत को जोड़ने का काम करा, 556 रियासतों को जोड़ करके भारत जैसा खूब। ठीक है आम आदमी पार्टी एक सेकंड, देखिए अगर हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया उसको बदलने के लग गए, प्रधानमंत्री ने कहा ईस्ट इंडिया से कंपेयर किया, अगर हम अपना नाम भारत कर लेते हैं तो क्या भारत को बदलेंगे, क्या क्या एम्स को बदलेंगे, क्या क्या इसको बदलेंगे यार गुरु, क्या मैं अंबर क्या, पूरी बात तो करने दीजिए, आज प्रधानमंत्री 9 साल के बाद इससे नाकारा कोई काम इनके पास नहीं है, क्या क्या बदलेंगे, नोट पे बदलेंगे क्या, आईएएस को, मैं भी वही बात कह रहा हूं, बदलेंगे क्या क्या बदलेंगे भाई, क्या क्या बदलेंगे आप लोग, कुछ नहीं बदलेगा, भारत जो नाम है ये भारतीय संस्कृति का परिचय है, आज से थोड़ी ना 10,000 साल से महाभारत है, श्लोक में पुराण में हर जगह भारत मिलता है, और भारत नाम से दिक्कत सिर्फ और सिर्फ क्या था, एम्स क्या था, साइन इंडिया, क्या क्या बदलो, देखिए अब हमने आपने समय नहीं दिया था, बस 30 सेकंड पक्का, देखिए आप लोगों को ध्यान में आ रहा है कि जो है कि इंडिया नाम अपने बेसिक मानसिकता वाला है, जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम बना रही थी तब तो इंडिया नाम में कोई दिक्कत नहीं था, अभी ख्याल आया भारत वाला, भारत और इंडिया देखिए ये दोनों नाम रहकर किसी की हिम्मत और मजाक, यासिर जी जनता से काफी नुकसान हो रहा है, देखिए ये बौखलाहट है, आप बार बार कह रहे हैं कि किसी ऑफिशियल ने कोई बात कही, सरकार ने कोई बात कही, अरे यार भैया सुन लो आप बोलते हैं तो, अब मैं अभी 556 रियासत की बात सैयद जवाद कह रहे थे भाई, 556 रियासत मिलके भारत बना, आप भारत माता की जय नहीं बोल रहे, वीर अब्दुल हमीद और उस ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता की जय कहते कहते शहीद हो गए, लेकिन इन जैसे लोगों ने भारत के अंदर जो द्वेष फैला रखा है, जो नफरत फैला रखा है, जो राजनीति करते हैं धर्म के आधार पे, मुझे शर्म आती है कि इन जैसे लोग जो भारत के मुसलमान हैं उस पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वीर अब्दुल हमीद बनिए, ठीक है दिक्कत किसको है भारत, देखिए दिक्कत किसी को नहीं है, मैं तो बार बार वही कह रहा हूँ, अभी आपने सोनिया जी की बात की तो मुझे तो डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी कल ये ना कह दें कि आज से बेरोजगारी का नाम काम धंधा है,
आज से महंगाई का नाम सस्ती दर है, आज से महिलाओं के विरुद्ध अपराध का नाम महिला कल्याण है, और आज से प्रधानमंत्री पद का नाम प्रचार मंत्री है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन ये देश हमारे संविधान के मुताबिक एक था, एक है और एक रहेगा। न इसको नरेंद्र मोदी बदल सकता है, न उसकी नफरत की राजनीति। प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी आदर सूचक शब्द नहीं, नहीं, सुन लीजिए। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं संविधानिक ब्रेक पे जाना है, जल्दी बोलिए भाई। राहुल गांधी जी जो चारा के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ मटन बना के स्थिति ये है इंडिया, दैट इज भारत। ये संविधान में लिखा है इस देश का नाम भारत है, और धीरे धीरे जहां जहां इंडिया है अगर उसका नाम भारत होगा तो ये आज देखेगा अगले 5 सालों में मेजोरिटी। बड़ी दिक्कत है भाई, जाइए भाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।